नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग आप देखने जा रहे हैं मेरी ऑनलाइन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट ज्वाइन हैं डिफरेंट लोकेशन से और मेरे साथ ये क्लासेस ले रहे हैं। गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर से हम लोग लाइव क्लासेस लेते हैं। आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आप लाइव अपने कंप्यूटर पे देखेंगे और हेडफोन से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। लाइव होती है, इंटरेक्टिव होती है, वन टू वन। देखिए, दो तीन बच्चे ही बैच में होते हैं तो हमारा पूरा फोकस आप पे होता है। तो देखिए किस तरीके से हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और हमारे साथ जो लोग हैं किस तरह से अपने डाउट को क्लियर करते हैं। उसके बाद अगर आपको लेनी है तो आप भी डेमो क्लास ले सकते हैं मेरी। बस उसके लिए मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, डेमो क्लासेस का फॉर्म भरें, एक दो क्लास डेमो लें, ठीक लगा तो कोर्स ज्वाइन करें या फिर हमारे डीवीडी परचेज करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अभिषेक जी, जितेंद्र जी एंड शारदा प्रसाद पात्रा जी, हम आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली प्रीवियस क्लासेस में हमने आपके साथ पिवट टेबल डिस्कशन किया था और मेरे हिसाब से मैंने पिवट टेबल में हर एक चीज आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो पिवट टेबल पे कोई डाउट्स है, कुछ चीज रिपीट करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। पिवट टेबल को लिख सिंपल से लिंक जैसे नॉर्मल डेटा लिंक कर जैसे कर दिए। नहीं सर, रिलेट कर सकते हैं, मर्ज नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया रिलेशनशिप की वीडियो भेजी थी, आपने देखा नहीं था। दो पिवट को नहीं सर, दो डेटा को किया जा सकता है। और आगे है कोलेट करके भी, जैसे डिपेंडेंट डेटा है तो कोलेट करके भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग SQL क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका डेटा भी मेनू बार में देखिए, माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी, इसकी मदद से और भी ज्यादा हम इसमें क्वेरी एंड रिलेशनशिप इस्तेमाल करते हैं। नहीं, 10 में तो मैंने देखा नहीं तो आपका, नहीं माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी सब में है। माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी तो सब में, ठीक है। डाल सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल तो दिया है, लैब का एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो स्क्रीनशॉट भेजते ना मुझे, देखते कहाँ गलती कर रहे हैं आप। व्हाट्सएप नंबर है ना मेरा आपके पास, व्हाट्सएप पे आप उसका भेज दीजिए स्नैपशॉट की, मैं यहाँ पे गलती हो, ठीक है। टेक्स्ट नहीं शो करेगा, सॉरी ओनली फॉर नंबर। पिवट टेबल में नंबर शो करता है, टेक्स्ट शो नहीं करता है। पिवट टेबल किसके लिए बना है, कैलकुलेशन के लिए बना है ना। पिवट टेबल तो कैलकुलेशंस के लिए बना है ना, तो कैलकुलेशन होगा ना उसमें, टेक्स्ट नहीं शो करेगा, सिंपल सी बात है ना। आप प्लस, अगर मान लीजिए प्लस का साइन है तो प्लस की साइन के मदद से आप दो नंबर को जोड़ सकते हो ना। अब दो नंबर, दो टेक्स्ट को तो नहीं जोड़ सकते ना आप, क्या बोल रहे हैं। ओके, और किसी को डाउट है।
तो चलिए आज की टॉपिक हम पिवट टेबल से अगली टॉपिक पे करते हैं। चलिए कैलकुलेशन, तो हम हमारी अगली टॉपिक पे चल रहे हैं जो कि है कैलकुलेशन। चलिए तो कैलकुलेशन के लिए हम बढ़ते हैं अपने कैलकुलेशंस में, तो उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब वो इंपॉर्टेंट है काफी आप एक्सेल के लिए। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। जैसे यहां पे मैं 20 लिख, यहां हम 20 लिखेंगे और यहां पे हम 30 लिखेंगे। एक तो है कि हम यहाँ इसको अगर सम करना है तो आप यहाँ इसको सम का फॉर्मूला लगा के इसको आपस में सम कर सकते हैं, राइट। और दूसरा है कि हम इस पे एक प्लस का सिंबल देके भी सम कर सकते हैं। तो जो सम का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये सम का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इनबिल्ट फंक्शन। और इसके बोलते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए बताते हैं। देखिए इनबिल्ट फंक्शंस मतलब कि आप कोई भी अगर काम करना है तो उसके लिए इनबिल्ट फंक्शंस जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, राइट। क्या बोल रहे हैं कि इनबिल्ट फंक्शंस जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि आपके पास क्वार्टर वन है और आपके पास क्वार्टर टू है। क्वार्टर वन में आपने 50 सेल किया है, क्वार्टर टू में आपने 52 सेलेक्ट किया, सेल्स किया है, और आपको ग्रोथ निकालना। बट आपके पास ग्रोथ का कोई फॉर्मूला नहीं, एक्सेल में कोई ग्रोथ निकालने का फॉर्मूला नहीं है, और फॉर्मूला है भी तो आपको पता नहीं, या आपको उस पर उसकी कैलकुलेशंस को आपने समझा नहीं है, उसकी कैलकुलेशंस को मतलब की कैलकुलेशन को आपने ठीक तरीके से समझा नहीं है, सिंपल सी बात, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जहाँ पे मैथ के जरिए कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे कि लेटेस्ट मैंने मैथमेटिक के जरिए निकालना है अगर नोट पैड पे, तो क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन, ठीक है, क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन, अब चलिए इसी कैलकुलेशन को यहां करते हैं। अब यहां पे इक्वल क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन, हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन क्या ये सही होगा सर, यहाँ पे आएगा इसका रिजल्ट, मुझे मुझे डाउट है। क्यों डाउट है, क्योंकि मैंने इसमें अभी तक बोर्ड मास मेथड को फॉलो नहीं किया, ठीक है, मैंने बोर्ड मास मेथड को फॉलो नहीं किया। देखो क्यों, अब एक इसके लिए आप इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मूला में, एवलेट में, यहां देखना होगा कि किस तरह से कैलकुलेशन हो रही है। तो C6 B6, तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 52 माइनस 50 जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करना है 50 से, बट ये 50 को 50 से डिवाइड करके माइनस कर रहा है जो कि गलत कैलकुलेशन हो जा रही है,
ठीक है सर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। अब आपका रिजल्ट आ गया, परसेंटेज डाल दीजिए, समझ गए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बताता हूं, जैसे कि कोई कैलकुलेशंस के लिए आपके पास अगर फॉर्मूला नहीं है, मतलब कि एक्सेल ने आपको इनबिल्ट फॉर्मूला नहीं दिया है, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन होते हैं जानते हैं, प्लस माइनस या आपका डिवाइड मल्टीप्लाई और एक पावर। तो पांच मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इस पांच मैथमेटिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह की कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, जो कि आप नॉन नोट पैड पे पेन और कॉपी की मदद से कर सकते हैं, वो सारी यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब चलिए कुछ और एग्जांपल देते हैं। अब इसकी मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास प्रिंसिपल है जो कि है 50,000, रेट है हमारा मान लीजिए 7% ईयरली, एंड हमारा टाइम जो है मान लीजिए 5 ईयर है, और मुझे अमाउंट निकालना है। अब इसके लिए एक्सेल जो फॉर्मूला है, हो सकता है कुछ और हो, तो अमाउंट निकालने का मतलब कि इसको निकालने का फॉर्मूला कुछ इस तरह से, मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सॉरी 1 डिवाइड बाय माफ कीजिए 1 माइनस सॉरी एक बार गलत कर दिया हमने, ये है आपका पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन, आर डिवाइड बाय एन और इसका पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब इसको एक्सेल में कैसे करेंगे, तो सर दो इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है कि ये काफी बड़ा है, मतलब कि बड़ी कैलकुलेशंस है, अगर हम कहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम गलती हो ही जाएगा हमसे, कहीं पे माइनस छूट सकता है, कहीं पे कुछ छूट सकता है, तो कुछ ना कुछ गलती होने के चांसेस इसमें है। ठीक है, कुछ ना कुछ गलती होने के चांसेस तो है। तो इसको हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे, फिर इसको आपस में कंबाइन करेंगे, इसको बोलते हैं फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, कि फॉर्मूला को मर्ज करना एक के नीचे। ठीक है सर,
फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। इसको लेते हैं इक्वल, यहां पे सबसे पहले यहां करते हैं वो आर डिवाइड बाय वन, आर डिवाइड बाय एन। एन क्या है कि एक मतलब कि आपका कौन सा मंथली या ईयरली है, तो ईयरली है तो एक, क्वार्टरली है तो चार, हाफ ईयरली है तो टू, उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन हम 12 है तो आर डिवाइड बाय 12। उसके बाद इसको कहते हैं इक्वल वन प्लस आर डिवाइड बाई, हो गया हमारा बी की कैलकुलेशन। अब आता है टी मल्टीप्लाई बाई एन, तो टाइम को हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, टाइम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से और फिर इसका हम पावर निकालते हैं। और फिर इसमें प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, पी से। रिजल्ट आ गया 17,881। मतलब हमने इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दिया, लेकिन ये देख रहे हैं आप कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पे, एक सेल्स पे एक सेल्स में नहीं है। तो अगर आपको इन फ्यूचर में कोई बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस या बड़े बड़े फॉर्मूले, लंबी फॉर्मूले अप्लाई करना हो और आपके पास आपको मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो ब्रैकेट कॉमा में, तो आप उसको अलग अलग इस तरह से सेल पे लगाएं और फिर उसको एक सेल में कंबाइन करें। कैसे कंबाइन करें, तो जैसे कि इसको देखते हैं, ये है 1 + C14 और C14 कौन है हमारा, C14 हमारा ए है जो आप दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा C14 है उस C14 का फॉर्मूला कॉपी करेंगे और हम यहां जहां C14 है इस पे हम पेस्ट कर देंगे, राइट। और इसको हम वापस कॉपी करते हैं और यहां कहां पे है, ये यहां D14, जहां D14 है उसको डिलीट करते हैं और ब्रैकेट में D14 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं। और फिर E14 है, E14 का सेम फॉर्मूला कॉपी करते हैं और जहां E14 लिखा है उसके जगह पे उस सेल का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं। उसके वापस हम इसको कॉपी करते हैं और जहां पे F14 है, F14 का फॉर्मूला ब्रैकेट में हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब रिजल्ट आ गया, अब बाकियों को हम डिलीट कर सकते हैं इसको। तो देखा जिस तरह से, अब मान लीजिए एक बार में लगा था तो कहीं नहीं कहीं ब्रैकेट कॉमा इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन हमने यहां पे अलग अलग सेल में लगाया और फिर इसको आपस में मर्ज कर दिया, समझ गए। कोई डाउट सर आप लोगों को, नहीं ना, चलिए अब एक और एग्जांपल देते हैं इसी फॉर्मूला मर्जिंग से रिलेटेड। कि मान लीजिए मुझे MRP निकालना है, तो किसी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आपका 50 है और मुझे इस पे MRP को शो करना है। और MRP में क्या है कि 5% जो है रिटेलर लेता है, सॉरी मैन्युफैक्चरर, 10% का कमीशन आपका खाता है डिस्ट्रीब्यूटर, देन 15% का कमीशन खाता है होलसेलर एंड 20% कमीशन खाता है रिटेलर। मतलब कि 50 का 5% प्लस, इसमें हम प्लस कर देते हैं इसको 52 एंड अगेन रिटेलर क्या करेगा 52 मल्टीप्लाई बाय 10% और फिर इसमें वो प्लस करेगा और देन 15 का 10%, उसके बाद
वो इसमें इसको प्लस करेगा और इसके बाद 66 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और जो रिजल्ट आएगा वो इसमें हम जोड़ देते हैं। तो आपका आ गया 20, 30। अब इसको मुझे एक सेल पे रखना है, ये जो देख रहा है आपको इसको मुझे एक सेल के ऊपर रखना है। कैसे रखें देखिए, तो जहां पे 5% है मतलब ये आपका D19 के जगह पे मैं 5% रख देता हूँ, फिर E19 के जगह पे मैं 10% रख देता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे F15 के जगह पे 5% एंड अब मैं इसको ऊपर वाले को डिलीट कर सकता हूं। उसके बाद दैट इसको हम कॉपी करते हैं और फिर इसके अंदर हम देते हैं जहां पे D20 है, D20 के जगह पे D20 का फॉर्मूला इन द ब्रैकेट में डाल दिया हमने और फिर इसको हम कॉपी करते हैं और ये है आपका D21। अब जहां D21 है वहां पे हम D21 का फॉर्मूला इन ब्रैकेट में पेस्ट कर देते हैं और यहां भी हम D21 का फॉर्मूला ब्रैकेट में पेस्ट कर देते हैं एंड इसको हम कॉपी कर इसको कॉपी करते हैं E21 को एंड E21 का फॉर्मूला E21 में हम पेस्ट कर देते हैं। इसको कॉपी करते हैं, अब जाते हैं E21 के जगह पे हम E21 का फॉर्मूला पेस्ट करते हैं एंड वापस E21 को कॉपी करते हैं एंड यहाँ जहाँ पे E21 है इसके जगह पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। सॉरी देखिए इफेक्ट हो गया, हमने कुछ गलत किया, हमें कॉपी करते हैं और यहां जहां पे हमारा E21 है उसके जगह पे पेस्ट करना है और फिर वापस ये जो आपका F20 है उसको लेते हैं और F20 के ऊपर सिंपल है सर, जिसका फॉर्मूला है उसकी यहां उसमें कॉपी कर दीजिए, सिंपल जिसका फॉर्मूला है उसमें कॉपी कर दीजिए, धीरे धीरे फॉर्मूला का बड़ा बनते चला जाएगा। अब यहां यहां F21 है उसके जगह पे F21 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया ब्रैकेट के अंदर और यहां भी F21 का फॉर्मूला ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट मत कीजिए, तो बोर्ड मास मेथड की प्रॉब्लम हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगा ब्रैकेट की कैलकुलेशन और फिर इसको हमने कॉपी किया और फिर वापस यहां जहां G20 है उसको भी ब्रैकेट में इसको पेस्ट कर देते हैं। अब मैं इसको कट करता और कट करके यहां पे अब देखिए इतना बड़ा फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं मुझे लग रहा है कि आप लिख पाते, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती थी, कहीं कहीं ब्रैकेट छूट जाता प्लस प्लस लग जाता, लेकिन हम फॉर्मूला मर्जिंग मेथड से हमने इसको एक सेल में कर लिया। क्या बोला तो ए फाइल में आप लोगों को भेज रहा हूं, एक बार जो कैलकुलेशंस मैंने किया है उस कैलकुलेशन को आप जो एक बार अपने हिसाब से देख लीजिए और फिर आप जो है मुझे कम से कम 20 ऐसे एग्जांपल करके भेजिए, 20 ऐसे एग्जांपल आप बनाएं और मुझे मेल करें। दोस्तों देखा किस तरीके से मैंने सुबह सुबह 7 बजे हमारे कुछ स्टूडेंट अपने घर से बैठ के मेरे साथ लाइव क्लासेस लिया गो टू मीटिंग के मदद से,
तो आप भी चाहो हमारे साथ इस तरह से लाइव कैलकुलेशंस लाइव हमारे ले सकते हैं ट्रेनिंग, जिसमें हम आपको एडवांस एक्सेल की सारी चीजें वीवीए टैबलो सबके साथ आपको हम सिखाएंगे। कोई दिक्कत हो तो कॉल कर सकते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर ट्रेनिंग लेना चाहे तो आप वेबसाइट पे जाके डेमो क्लासेस का फॉर्म भर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।